और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालते हैं। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो हरियाणा के पंचकुला में नायब सिंह सैनी की 17 अक्टूबर को ताजपोशी होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, साफ तौर पर जिस तरह से तीसरी बार अब की बार सत्ता में भाजपा आई है, ऐसे में ताजपोशी होनी है इस वक्त की ये बड़ी खबर। और अन्य मंत्री भी पद और गोपनीयता की यहां पर शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जिस तरह से हमने हरियाणा में देखा ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और उसके बाद से अब जो है वो 17 अक्टूबर की वो तारीख मुकम्मल कर दी गई है जिस दिन ताजपोशी होगी नायब सिंह सैनी की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 17 अक्टूबर को ताजपोशी होगी और हरियाणा चुनाव में जिस तरह से हैट्रिक अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, एक अलग बेंचमार्क यहां पर सेट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम जो रैलियां हुई और उसके बाद से जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई और जो यहां पर बड़ी जीत एक सुनिश्चित करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई, उसके बाद अब 17 अक्टूबर को वो तारीख मुकम्मल कर दी गई है जिस दिन ताजपोशी होगी नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अपना पूरा जिम्मा संभाला, जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और जिस तरह से भाजपा को तीसरी बार सत्ता दिलाई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वानगी। और उसके बाद वो मिलने भी आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भी उनकी मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि नायब सिंह सैनी ने वो कर दिखाया जो लगातार भाजपा चाह भी रही थी कि किसी तरह से हैट्रिक वहां पर बने। और एक बड़ी खबर इस वक्त से निकलकर सामने आ रही है जो कि साफ तौर पर हरियाणा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो कद है वो और ज़्यादा ऊंचा होता हुआ नजर आया है। और जो तमाम रैलियां और जो तमाम वहां पर रोड शो हुए और जो लोगों को लुभाने के लिए जो वादे किए गए, वो लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का जो काम था वो नायब सिंह सैनी ने भरपूर करके दिखाया और इसी वजह से उनकी ताजपोशी 17 अक्टूबर को होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर जो कि साफ तौर पर नज़र आ रही है हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो जीत है वो भाजपा की हुई और हैट्रिक लगाने में, सरकार बनाने में भाजपा तीसरी बार वहां पर सफल हुई है। और ऐसे में 17 अक्टूबर की वो तारीख मुकम्मल कर दी गई है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है उनका। और साथ ही साथ तमाम ऐसे मंत्री हैं जो वहां पर मौजूद रहेंगे और वो भी शपथ लेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आकांक्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। आकांक्षा, साफ तौर पर बड़ा दिन 17 अक्टूबर की वो तारीख मुकम्मल हो चुकी है, तो ऐसे में क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं क्योंकि भाजपा ने हैट्रिक लगाई है। जी गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हैट्रिक के तहत जो है नई सरकार ने स्वेरिंग इन सेरेमनी करनी थी और इलेक्शन में भी इंडिकेट कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी जो है वही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होंगे अगर भाजपा आ जाती है तो। अब अगर उसके बाद जो है कैबिनेट के कुछ मंत्री और नए चीफ मिनिस्टर जो है स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे और 17 तारीख जो है वो एक दिन चूज किया गया है। और इसके तहत जो तैयारियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है डीसी के अंडर जो है एक कॉन्स्टिट्यूट की गई है। पंचकुला में सेक्टर 5 एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे कुछ 6,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कुछ और स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोग जो हैं वो इस स्वेरिंग इन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो जो उसके आसपास की तैयारियां हैं और जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको देखा जा रहा है। और 17 तारीख, पहले 15 तारीख थी पर अब 17 तारीख जो है वो बताई जा रही है कि 17 तारीख को जो है नई सरकार जो है अपना गठन करेगी। आकांक्षा, इसमें जो मंत्रियों की बात सामने आ रही है, क्या किसी के नाम का अभी तक ऐलान हुआ है कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जो इस पूरे इसमें यहाँ पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे? जी गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे कि अनिल विज हो गए हैं और कुछ एक जो और नेता हैं, जो और मंत्री हैं जो दोबारा से जीत कर आए हैं, ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ 8 मंत्री जो पहले थे वो इस बार नहीं जीत पाए भाजपा की सीट से। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे नए चेहरे होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए जाएंगे, एक या दो वो देखने में आए हैं, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। सारी बातें सोर्सेस के थ्रू ही हैं पर हाँ जरूर बात है कि 7 से 8 जो है मंत्री उसी दिन जो है शपथ लेते हैं और उसके बाद जो है कैबिनेट जो है वो एक्सपैंड होती है। तो फिलहाल तो जो उस दिन की बात है, उस दिन तो मेरे ख्याल से
नायब सिंह सैनी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा स्वेयरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी सब नामों का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है गौरव। किसी का नाम लेना भी गलत होगा, पर बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के जो इस बार दोबारा से जीत कर आए हैं, और कुछ एक नए नेता भी हैं, कुछ एक नए लोग भी हैं जो विधायक हैं, और मेरे ख्याल से जो है किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ये हमें 17 तारीख को ही क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी जिनके ऊपर देखा गया है कि अब की बार उन्होंने पूरी ताकत अपनी लगा दी और उसके बाद फिर ये बड़ी जीत भाजपा को मिली है, हैट्रिक लगाई है भाजपा ने, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी की आने वाली राह अब किस ओर इशारा करती हुई नजर आएगी और क्या कुछ परिवर्तन अब की बार हरियाणा में देखने को मिलेगा यहाँ पर उनके काम से? गौरव मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्च में ही मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया था एज चीफ मिनिस्टर और नायब सिंह सैनी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये डिसीजन लिया गया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव के बाद जो है पूरा कमान जो है कुछ 50 से ज्यादा दिनों का नायब सिंह सैनी ने इलेक्शन से पहले विधानसभा के उन्होंने संभाला, और उन्होंने बहुत हर एक जगह पर जाकर बहुत प्रचार करा पूरे ही। वो लाडवा से लड़ रहे थे, लाडवा से लड़ने के बावजूद उन्होंने पूरे हरियाणा में प्रचार करा, क्योंकि वो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर थे तो उनको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बीजेपी के अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करा। हमने देखा उन्होंने बहुत रिग्रेसली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज रखी ड्यूरिंग द इलेक्शन, और ना सिर्फ अपने ही क्षेत्र में बल्कि हरियाणा भर में जाकर उन्होंने प्रचार किया। और जहाँ तक रही बात, वो एक बैकवर्ड क्लास से आते हैं और ये एक बहुत ही चॉइस थी बीजेपी की कि वो कमान संभालें, और जिस तरीके से इस बारी जो पूर्ण बहुमत से क्लीन स्वीप जिसको कहते हैं कि बीजेपी की आई है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, और वो लोगों की चॉइस है जिस तरीके से बीजेपी की चॉइस थे वो एज फॉर द चीफ मिनिस्टर, और अब लोगों ने भी उसको स्वीकार किया है जिस तरीके से पूर्ण बहुमत दी गई है, 48 सीट्स उन्हें मिली है। तो इस बात ये बहुत इंडिकेटिव है कि ही इज अ पॉपुलर चीफ मिनिस्टर एंड ही इज लाइक्ड बाय मेनी, ही इज अ मासिव मैन। तो उसको मोहर लगाते हुए जब अमित शाह जी भी आए थे हरियाणा में प्रचार करने के लिए इलेक्शंस में, उन्होंने भी ये बात खुल के कही थी कि हमारा जो कैंडिडेट होगा बीजेपी का वो नायब सिंह सैनी होंगे। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस ने आखिर तक भी इसी बात पे लड़ाई होती रही कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, शैलजा होंगी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे, पर बीजेपी बहुत क्लियर कट सामने आई थी अपने कैंडिडेट को नाम लेके। कोई भी और जो पार्टी थी वो अपने कैंडिडेट को अपने सीएम कैंडिडेट का नाम जो है घोषित करके नहीं चुनाव लड़ रही थी, पर बीजेपी पहले दिन से बहुत क्लियर थी कि नायब सिंह सैनी ही जो है वो लीड करेंगे इलेक्शंस को भी, और अगर हम जीत जाते हैं तो वो हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। निश्चित तौर पर आकांक्षा, साफ तौर पर नायब सिंह सैनी की जो जिम्मेदारियां हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब की बार हैट्रिक तो लगाई गई है, तीसरी बार सत्ता में आई है, तो जो रफ्तार है विकास की और जो काम की है उसमें भी तेजी तिगुना रफ्तार से नजर आएगी। आकांक्षा बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आप जो जिस तरीके के वादे किए गए थे, जिस तरीके से लोगों ने अपना विश्वास जो है जोड़ा है बीजेपी के साथ, और जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ जो है बीजेपी आ रही है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनकी कि वो सबसे पहले आके जो वादे करे थे उन्हें पूरा करें। और उन्होंने बहुत सारी बातें उस वक्त कही थी कि मेरे चीफ मिनिस्टर बनते ही दोबारा अगर मैं टर्म में आता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे वादे थे जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, और आजकल में हमने उनके सुना भी कि जिस तरीके से वो जो वादे उन्होंने करे थे, जो कुछ एक पॉइंट्स थे जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं काम करूंगा, उन एक पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने काम करने के लिए और दोबारा से उन्हें दोहराया। नहीं तो होता ये है कि वादे हो जाते हैं, इलेक्शन निकल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, पर उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद भी उन वादों को दोबारा दोहराया और लोगों को आश्वासन दिलाया है कि हम ये काम करेंगे। तो एक दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो गौरव लोग बोल रहे थे, शायद उससे भी जब प्रचार किया, जब लोगों तक जन जन तक गए वो,
तो शायद उनको भी पता चला कि कहाँ पे किस तरीके की खामियां सरकार की है, जो 10 साल में वो उन्होंने उस इलेक्शन से पहले भी जनता दरबार लग रहे थे, पर उसके बावजूद भी जो भी लोगों के बीच में नाराजगी थी या जिस तरीके का भी अगर कोई उनको फीडबैक मिला था, तो निश्चित तौर पे अगर उनको एक बार और मौका मिला है तो वो उन सब फीडबैक को और जो उसके लिए जो भी काम करना होगा पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि एक बार और टर्म मिलने का मतलब ये है कि उनको एक बार और मौका दिया है, तो उनको एक बार और हरियाणा की जनता के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और पिछली बारी तो सिर्फ 54 डेज 50 से कुछ ज्यादा ही दिन के बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे, पर उतने में भी उन्होंने जिस तरीके से जो प्रचार किया, जिस तरीके से काम किया, अगर वही स्पीड से आप मेरे ख्याल से अगले 5 साल काम करेंगे तो लोगों तक जो है बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सब कुछ पहुंच पाएगा। तो अब उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तीसरे टर्म में आके अब उनको उनका कार्यकाल थोड़ा ज्यादा भी होगा, उनके पास ज्यादा समय भी होगा। उस छोटे से समय में भी वो बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिली है, बीजेपी को लोगों ने अपना विश्वास जताया है, तो आगे के 5 साल जो बहुत लंबा टर्म है, तो देखने में आएगा कि किस तरीके से सरकार अपना काम करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के पंचकुला में होने वाला है, और इसके लिए अब जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और तमाम मंत्री भी यहां पर गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी वादे किए थे, जनता ने उस पर मोहर लगाई, और साफ तौर पर अब की बार हैट्रिक लगाने का मौका भारतीय जनता पार्टी के पास आया, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी आगे जो हरियाणा को लेकर यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी अब आगे की जो पारी है भारतीय जनता पार्टी की, उसको अब पूरे जोर शोर के साथ आगे बढ़ाती हुई नज़र आएगी, और प्रधानमंत्री समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो इसी को लेकर ये तैयारियाँ हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है वो लोगों की जीत है, और लोगों को जिस तरह से सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई गई, परियोजनाएं चलाई गई, उसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आया, और इसी के दम पर जब लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां पर वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई, और उसके बाद अब नई सरकार का गठन 17 अक्टूबर को होने वाला है, और उसके बाद से नई प्रणाली यहां पर देखने को मिलेगी हरियाणा के विकास के लिए, यहां के लोगों के लिए, यहां की इच्छा शक्ति के लिए, और साफ तौर पर आने वाले भविष्य के लिए। तो तमाम ऐसी कवायदें हैं जो लगातार सरकार द्वारा यहां पर चलाई जाएंगी, और आइए अब आपको सुनाते हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने इस पर क्या कुछ कहा है। आइए सीधे सुनते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा।